भाई का जिन बोतल से निकल कर बेकाबू हो गया। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, सोबतपुर में हर चीज़ को पर लग गए, हर चीज़ सोने के दाम में मिल रही है। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ रही सही कसर हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर दी। पेट्रोल में हो शरबा इजाफा करके अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। कोई चेक इन बैलेंस नहीं, बड़ा गोश्त, बॉयलर मुर्गी का गोश्त, फल, सब्जियां गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम को खुदकशी करने पर मजबूर कर रही है। जहाँ पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हुकूमत वक्त ने घी, चावल, आटा, दालें गरीब आवाम की पहुंच से कोसों दूर कर दी हैं। इस वक्त सरकारी अदारों में टेल्टी पर सामान नापेद है, गरीब का पुरसान हाल कोई नहीं। गुर्बत और महंगाई ने गरीब आवाम के चूल्हे बुझा दिए हैं। आवाम रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरस गए। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से अपील की है कि हिका खुदारा आवाम पर तरस खाते हुए प्राइस कंट्रोल कमेटी को सख्ती से हदायत जारी करें। हफ्ते में एक बार प्राइस कंट्रोल महंगाई माफियाज के खिलाफ सरकारी नरकनामे चेक किए जाएं। सरकारी नरकनामे की लिस्ट अवेजा कराएं, इन पर अमल भी करवाएं ताकि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके और आवाम सुख का सांस ले सके। रिपोर्ट कर रहे थे सोमर खान, हानवी, ग्रेट न्यूज, सहबतपुर, बलोचिस्तान।